जानें भगवान शिव कैसे आए बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश की हिमाच्छादित धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ वास्तुकला का उत्कृष्ट धाम है। देश एवं विदेश में जिसे बैजनाथ वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, मंदिर निर्माण में वास्तुकला को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह प्राचीन मंदिर अपनी वास्तुशैली का उत्कृष्ट नमूना है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह मंदिर अपनी पहचान बनाए हुए है। पांडवों द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी सुंदरता की मिसाल है। बनेरखट के पास कल कल बहते जल की संगीतमय ध्वनि, मन को आनंदित करने वाली समीर, शिव भक्ति से लबालब श्रद्धालुओं की अपार भीड़ इस गौरवमय इतिहास का जीवंत रूप है। इसे कीर जाति के कारीगरों द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंडी कुल्लू व प्रदेश के अन्य जनपदों की व्यापारिक मंडी का सबसे बड़ा पैदल मार्ग एवं यातायात का सुगम स्थल था। इस मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण ने कैलाश पर्वत पर शिवजी की तपस्या की थी। कोई फल न मिलने पर उसने घोर तपस्या प्रारंभ की और उसने अपना एक एक सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। दसवां और अंतिम सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर शिव को अर्पित करना शुरू किया तो शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। उसके सभी सिरों को पुनः स्थापित कर शिवजी ने रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। आप दो भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे बलशाली बना दें। शिवजी ने तथास्तु कहा और लुप्त हो गए। इससे पहले शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप दो चिन्ह रावण को देते हुए कहा कि इन्हें जमीन पर न रखना। रावण लंका की ओर चला। रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र, बैजनाथ क्षेत्र में पहुंचा तो उसे लघुशंका लगी। यहां उसे बैजुग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजुग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिए और शंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की मायावी शक्ति के चलते बैजू उन दोनों शिवलिंगों का वजन अधिक देर तक उठा नहीं सका। उसने उन्हें धरती पर रख दिया और स्वयं पशु चराने लगा। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। रावण ने ये दोनों शिवलिंग मंजूषा में रखे थे। मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रमाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। मंदिर के प्रांगण में छोटे मंदिर और नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है। नंदी के कान में भक्तगण अपनी मन्नत मांगते हैं। रावण खाली हाथ लंका लौट गया लेकिन बैजनाथ में शिवलिंग की अमूल्य धरोहर छोड़ गया। इस मंदिर का निर्माण राजा लक्ष्मण चंद के राज्य के दो सगे भाइयों मन्युक व आहुक ने किया। वे इसी रास्ते से व्यापार करने जाते थे और काफी धनी थे। इन्होंने ही शिव मंडप और मंदिर बनवाए थे। राजा और दोनों भाइयों ने बहुत धन व भूमि दान भी किया। पत्थरों पर नक्काशी एवं भारतीय वैदिक संस्कृति में वर्णित ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तथा देव प्रतिमाओं को बखूबी उकेरा गया है जो आज भी प्राचीन वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। इसके पुनः निर्माण का उल्लेख शिलालेखों पर वर्ष 804 में दिया गया है। समुद्र तल से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर इस दिव्य धाम को देखकर सभी अचंभित होते हैं। शताब्दियों पूर्व इस दुर्गम स्थल में भव्य पूजा स्थल का चंद्राकार पहाड़ियों, घने जंगलों के नैसर्गिक घाटी में निर्माण किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ विजयादशमी पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। इस कार्य को करने का जिसने भी प्रयास किया वह सफल नहीं हो सका। अतः रावण को देवत्य रूप सम्मान दिया जाता है। महमूद गजनवी ने भारत के अन्य मंदिरों की तरह बैजनाथ मंदिर को लूटा व क्षतिग्रस्त किया। शेरशाह सूरी की सेना ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1783-86 में महाराजा संसार चंद ने करवाया। मंदिर की परिक्रमा एवं किलेनुमा 6 फुट चौड़ी चारदीवारी महाराजा संसार चंद द्वितीय ने बनवाए। तब से लेकर यह शैली वास्तु विद्या एवं वैदिक परंपरा में पूज्य शिवलिंग अपनी पहचान रखता है। बैजनाथ में दिल्ली से पठानकोट या चंडीगढ़ ऊना होते हुए रेल मार्ग, बस, टैक्सी या निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से पठानकोट और कांगड़ा जिले के गग्गल तक हवाई सेवा भी उपलब्ध है।